ऑनरेबल डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बॉडे। गुलामी की मानसिकता बदलने का काम किया, यानी वो अमृत पथ रहे, सुभाष चंद्र जी बोस की स्टैचू लगाना रहे, या 1898 में बनाया हुआ इंडियन माइक्रोफोन प्लीज माइक। या 1898 में बनाया हुआ इंडियन पोस्टल एक्ट रहे, 1898 से मोदी जी को आना पड़ा कि वो गुलामी की मानसिकता से निकल के नया इंडियन पोस्टल एक्ट पोस्टल बिल 2030 लाना पड़ा। पोस्ट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हाँ, हालांकि अभी व्हाट्सएप है, ईमेल है, सभी चीज़ें हैं, लेकिन वो बैंक है, लेकिन गरीब लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और महिलाओं के लिए पोस्ट की बहुत ही अहमियत है। लेकिन 2004 से 2014 तक आपको बताया कि 600 डाकघर बंद कर दिए गए थे, यानी ये डाकघर बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और 2014 से 2023 तक 5000 नए डाकघर शुरू हो गए, यानी ये डाकघर को पुनर्जीवन देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के माध्यम से हुआ है। और इस वित्तीय वर्ष में हमारे काबिल मंत्री जी अश्विनी जी वैष्णव, इनके माध्यम से 5746 और डाकघर खोले जा रहे हैं। अब 5746 और पहले बने हुए 5000, यानी इतने डाकघरों में गरीबों के लड़कों को, लड़कियों को, उनको नौकरी मिली है, रोजगार मिला है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ डाकघर का काम चिट्ठियां पहुंचाना, पार्सल पहुंचाना इतना नहीं है, तो 100 सुविधाएं उसमें ऐड कर दी गई। और सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं मानता हूं कि वित्तीय सुविधाएं उसमें ऐड की, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी यानी महिलाओं के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने की गारंटी है, उनकी आत्म सुरक्षा की गारंटी है, उनका आत्मसम्मान बढ़ाने की गारंटी है। अब इसमें अहम भूमिका जब डाकघर निभाता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने लाई सुकन्या समृद्धि योजना, या पिछले ही बजट में महिला का सम्मान बचत पत्र, या डाकिये द्वारा खोले गए, घर घर जाकर खोले गए खाते, ये सब महिलाओं को दे रही है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोई भी व्यक्ति को मिलती है तब उसका आत्मसम्मान अपने आप बढ़ता है, उसका आत्मसम्मान बढ़ता है। और आज हमारे तीनों राज्यों में भारतीय जनता पक्ष में पक्ष ने जो विजय हासिल की, उसमें सबसे बड़ा रोल नारी शक्ति का है, यानी पूरे भारत में पूरी नारी शक्ति का भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के ऊपर है। ये इसलिए है कि हर महिला को, जिसको समझा जाता था वो दबी है, वो है अबला है, उसको सबला बनाने का काम। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने तो मध्य प्रदेश में जाके देखा, मैं चुनाव के प्रचार में था, पहले ऐसा होता था कि हस्बैंड बोलता था महिलाओं को यहाँ का बटन दबाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे तो मैंने देखा कि महिला ने बोला, बेटे को भी बोला कि बटन दबाना है तो कमल के फूल का ही दबाना है। उसके हस्बैंड को भी उसने मजबूर किया कि घर में आना है, खाना खाना है तो कमल का ही बटन दबाना पड़ेगा। तो ये नारी शक्ति की पहल जो हो रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के माध्यम से फाइनेंशियल सिक्योरिटी के माध्यम से हो रही है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आरडी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से होता है। आरडी के माध्यम से हर महीने में
घर घर जाके वो आरडी की प्रतिनिधि पैसे जमा करती है, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, और उसके बाद में वो प्रोविडेंट फंड में, पीपीएफ में जमा किया जाता है। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने 4 वर्षों में 8 करोड़ खाते खोलकर मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। यानी इसका फायदा किसको होता है? गरीब को होता है, महिलाओं को होता है, किसानों को होता है, किसान की किसानी मजदूरी करने वाले को होता है, विश्वकर्मा लोगों को होता है। इसका फायदा कोई इंडस्ट्री वाला नहीं ले रहा, इसका फायदा कोई बड़ा अधिकारी नहीं ले रहा, सबसे नीचे ग्राउंड लेवल पे रहने वाला जो आदमी है उसको बेनिफिट हो रहा है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। ये डाकघर का विधेयक जो है ये सिटीजन सेंट्रिक है। मुझे सौभाग्य मिला एक सांसद के नाते से कि अमरावती जिले में एक एरिया में जहाँ जेवट नगर का एरिया है, जहाँ झुग्गी झोपड़ी का एरिया है, वहाँ पे डाकघर खोला गया। और मैंने देखा कि ये डाकघर मैंने पहले बचपन में भी देखे थे, और डाकघर ऐसा रहता था कि अंधेरी रूम में डाकघर चलता था, वहाँ ठप्पे मारे जाते थे, और डाकघर का नौकरी करने वाला भी दिन रात वही काम करके परेशान होता था। लेकिन जो मैंने डाकघर देखा वो स्मार्ट डाकघर देखा, कि स्मार्ट डाकघर यानी टोटली कंप्यूटराइज था, टोटली डिजिटलाइज था, बैंक के जैसा था, वहाँ बैठने की सुविधा अच्छी थी, वहाँ एयर कंडीशन लगा था, वहाँ की तिजोरी अच्छी थी। यानी अच्छी तरह से जब डाकघर निर्माण होता है तो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा रहा, और ये ग्रामीण इलाकों में भी हो रहा है। मुझे तो आशा है कि इतना बड़ा नेटवर्क हमारे डाकघर का है, और हमारे मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इतने, उनकी कल्पना शक्ति भी आगे है कि कल हो न हो अमेजॉन जैसा डाकघर के माध्यम से डिलीवरी सिस्टम भी शुरू हो जाए, अमेजॉन जैसी डिलीवरी सिस्टम भी शुरू हो जाए, और लोगों को डाकघर के माध्यम से हर उनके घर तक कोई भी सामान पहुंचाने की सुविधा भी निर्माण हो सकती है। अब जो दिक्कत है, जो विरोधी पक्ष के सम्माननीय सांसद लोगों ने जो दिक्कत पेश की है कि पार्सल फोड़ा जाएगा, जो किसको डर है कि जो गलत काम करने वाला है, जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको ये डर रहना चाहिए। कुछ कुछ डर बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कुछ डर सरकार का डर निश्चित ही रहना चाहिए। जो दहशतवाद करते हैं, जो दहशतगर्दी करते हैं, आपको पता है कि ब्रुसिलिस नाम की बैक्टीरिया के माध्यम से बीमारी फैलाने का काम भी एनवेलोप के माध्यम से किया गया था, बैसिलस एंथ्रेक्स करके। तो एंथ्रेक्स के बैक्टीरियाज भी पोस्ट के लिफाफे में से भेजने का काम वेस्टर्न कंट्रीज में भी किया गया था। और ईच एंड एवरी जो भी पार्सल रहता है आज के ज़माने में, वो उसका एक्सरे भी होना चाहिए, उसकी स्क्रूटिनी भी होना चाहिए, और सस्पेक्टेड रहा तो उसको खोलना भी चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट पहल है देश की सुरक्षा के लिए, कम्युनिटी की सुरक्षा के लिए। मुझे लगता है कि किसी के प्राइवेसी उसमें कुछ डिस्टर्ब होने की संभावना नहीं है, उसको ही डर लगेगा कि जो गलत काम, देश के विरोधी काम कर रहा है उसको ही गलत लग सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण बिल, जो रिवोल्यूशनरी बोल सकते हैं हम पोस्टल एरिया के और पोस्टल डिपार्टमेंट के पूरे लाइफ में, जो 1898 के बाद में पहली बार आया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी तथा मंत्री जी अश्विनी वैष्णव, इन्होंने लाए हुए बिल के लिए सभी ने समर्थन करना चाहिए, ऐसी विनंती भी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।